मां की स्मृति में दिया अंतगति रथ। माता जी की 13वीं के दिन समाज के लोगों को किया सुपुर्द। नगर में मुक्ति धाम तक ले जाने में किसी भी समाज वर्ग के लोगों को परेशानी ना हो, अंतगति रथ मां की स्मृति में दान दिया। करेला के प्रतिष्ठित व्यापारी समाज सेवी विनोद कुमार रवि कुमार सोनी टीला वालों ने अपनी माता जी के स्वर्गवास की 13वीं के अवसर पर उन्होंने आज गहोई भवन बस स्टैंड पर एक अंतगति रथ तैयार कराकर गहोई समाज को सुपुर्द किया। विनोद सोनी टीला वालों ने बताया कि मेरी माँ पिता की इच्छा थी कि नगर में मुक्ति धाम 4 से 5 किलोमीटर दूर है। लोगों को सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में एवं लॉकडाउन के समय भयभीत निधन होने पर कोई शव को कंधा देने वाला तक नहीं मिल रहा था। जब हमने लोगों की मुसीबतें देखी और मन बना लिया कि हम अंतगति रथ दान करेंगे, आज माँ की स्मृति में गहोई समाज को यह रथ सुपुर्द किया जिससे नगर के सभी वर्गों को काम आएगा। इस अवसर पर करेरा आईटीसी आईटीवीपी डीआईजी सुरेंद्र खत्री पीडी गुप्ता नारायण गेड़ा नरेश सरावगी द्वारका मीखरा मनोज रेजा राजेंद्र नगरिया सतीश श्रीवास्तव राजीव सोनी अमित सोनी जैसे कई लोगों ने उपस्थित रहकर सोनी परिवार को बधाई दी। रिपोर्ट संजय गुप्ता बिलैया करेरा। जिस चीज की सख्त आवश्यकता थी आज उसकी पूर्ति आदरणीय श्री मनोज जी ने रवि जी ने की है, निश्चित रूप से वो बधाई की बात है। ये दोनों भाई विनोद सोनी जी रवि सोनी जी और इनके भतीजे आशू सोनी का बहुत ही अच्छा प्रयास, करेरा बस्ती बढ़ रही है, आवश्यकता इसकी थी और ये बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है, दान दिया है समाज के लिए। हम समाज की तरफ से अपनी तरफ से गहोई समाज की पूरी गहोई समाज की तरफ से भाई साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं और बगीचा सरकार से कामना करते हैं कि हमेशा बगीचा सरकार इनके भंडार भरते रहे और इसी प्रकार से समाज में दान देते रहे। तो उस समय भी इस तरह से कोई दान या जी वो भी हमारे पिताजी की प्रेरणा से अच्छा, उस समय वाटर कूलर मानते हुए ये एक बहुत बड़ी भेंट और दान किया है और मैं तहे दिल से शेर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी ये एक सोच अलग है जो कि एक प्रोग्रेसिव सोच को दर्शाता है।